चैंपियन हो। तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? तुम जो भी हो, पर इतना याद रखना, मैं चैंपियन हूँ। मैं हूँ द शॉक, WWF चैंपियन। मुझे ये चैंपियन का टाइटल मिला है। अगर तुम्हें ये चैंपियन का टाइटल चाहिए तो तुम्हें मेरे साथ फाइट करना होगा और मुझे हराना होगा। ठीक है, तो फाइट करते हैं। ऐसे नहीं, प्रॉपर तरीके से लड़ेंगे। पहले रिंग बनवाते हैं, फिर उसके बाद में रूल्स के साथ लड़ेंगे। ठीक है? ठीक है, तुम जैसे चाहे लड़ो, मुझे मंजूर है। 2 घंटे बाद रिंग में मिलते हैं। ओके। अक्लमंद रेसलर था, सोचा अब भी हड्डियां ना टूट जाए, इसलिए 2 घंटे के लिए खुद को बचा लिया। खैर, मैं तुम्हें ईंटे तोड़कर दिखाता हूँ। क्यों, क्या हुआ अबे? ए, अबे नहीं चैंपियन, उस रेसलर ने आकर सारा कंसंट्रेशन ही तोड़ दिया। थोड़ी ईंटे कम करके देखता हूँ। ये ईंटे टूट क्यों नहीं रही? कुछ और कम करता हूँ। लगता है ईंटे नकली है। 1 मिनट, रॉड सीधी करके बताता हूँ। असर करती है, इसलिए तो मैंने उस दिन तुम्हें कहा था कि कुछ घंटे मेरे पास रुक जाओ। दरअसल वो दवा मेरे गुरुजी ने मेरे पास किसी प्रयोग के लिए भेजी थी, और वो प्रयोग पूरा भी नहीं हुआ कि तुमने उसे खा ली। तो क्या आप मुझे और दवाई नहीं दे सकते हैं? वो दवा कमजोर और बीमारों की मदद के लिए है। हाँ, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें दवा दे सकता हूँ तुम्हारे जुकाम को खत्म करने के लिए। जुकाम की किसको परवाह है, मुझे तो परवाह है उस रेसलर की। वो मेरे जुकाम को क्या, मुझे ही खत्म कर डालेगा। मिठारी, मिठारी कहाँ हो तुम? मिठारी प्लीज आ जाओ, प्लीज मिठारी, मिठारी मुझे आपकी जरूरत है। अरे अबे सॉरी अभी जी, मैं आपके लिए अपनी इतनी प्यारी नींद छोड़ के आया हूँ। क्या बात है जी? सॉरी भिखारी, मैंने आपकी नींद खराब की। भिखारी, एक बहुत बड़ी मुसीबत आ पड़ी है, प्लीज प्लीज मुझे आपकी मदद की जरूरत है। मैंने तो सुना था कि आपको किसी भिखारी की जरूरत नहीं है। भिखारी मैं पागल हो गया था, आपको पता है ना मैं बेवकूफ पर बिचारी फिलहाल मेरी मदद कर दीजिए प्लीज बिचारी, नहीं तो रेसलर मुझे मार डालेगा। अभी तो
मैं कुछ नहीं कर सकता, आज जरा मैं फ्री नहीं हूँ, फिर जब फ्री होऊंगा तो शायद मैं आपकी मदद करने की सोचूंगा, ठीक है, बाय बाय। भिखारी, भिखारी, भिखारी प्लीज वापस आ जाओ, भिखारी प्लीज। ओह नो, अब मैं क्या करूंगा? अब तो रेसलर मेरी चटनी बनाकर ही छोड़ेगा। अगर मैं उस रेसलर से बात करूं, चैंपियन, क्या बात है, कुछ कहना है? हाँ, अगर तुम आप चाहो तो मैं आपको बचने का एक मौका दे सकता हूँ। अच्छा, चैंपियन नहीं बनना है क्या? नहीं, पर अच्छा नहीं लगेगा अगर तुम आप एक बच्चे से हार जाओ, मेरा मतलब लड़ो। लेकिन मुझे अच्छा लगेगा, वैसे भी बड़े बड़े रेसलर मेरे सामने बच्चे ही साबित हुए हैं, हो सकता है एक बच्चा मेरे आगे निकल जाए। नहीं नहीं, मैं क्या कह रहा था कि लड़ने की क्या जरूरत है, आप अपनी जगह ठीक हो और मैं अपनी जगह पर चैंपियन, लड़ने की क्या जरूरत है। सारी तैयारियां हो चुकी है, लड़ना तो पड़ेगा। प्लीज प्लीज ये फाइट रुकवा दीजिए, मैं आपसे नहीं लड़ना चाहता, प्लीज मुझे चैंपियन भी नहीं बनना। लड़ना तो पड़ेगा ही, हाँ तुम्हारे लिए मैं एक काम जरूर कर सकता हूँ, तुम्हें मारूंगा लेकिन हल्के हल्के, समझ गए? हल्के हल्के भाई, आपके हल्के मुक्के भी मेरे लिए भारी पड़ जाएंगे। बस बहुत हो गया, अब मेरा नहाने का वक्त हो गया है, रिंग में मुलाकात होगी। आई एम द गॉड। माया, कहाँ थी तुम? मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा था। मैं सच में बता कि तुम यहाँ पर हो। मैं तो यहीं थी, आखिर तुम्हारी मैच है। And in fact, मैं इस चीज़ को तुमसे बिगड़ने देना चाहती हूँ, इसलिए यहाँ चली गई। सिकंदर तुमसे अब भी नाराज है, वो तो गुस्से में पाव भाजी खाने चला गया, तुम्हें तो पता है ना उसे गुस्से में ज्यादा भूख लगती है। माया, आई एम सॉरी, मैंने तुम लोगों से बुरा व्यवहार किया, पर प्लीज प्लीज अभी मेरी मदद कर दो, नहीं तो ये रेसलर मेरी चटनी बना डालेगा। ऐसे कैसे चटनी बना देगा, तुम्हें तो हाथी जितनी ताकत है। है नहीं थी, ताकत चली गई, और अगर भिखारी ने मेरी मदद नहीं की ना तो मैं भी ऐसे था हो जाऊंगा, मैं भी अपनी ताकत की तरह गायब हो जाऊंगा। माया, भिखारी तो मेरी सुन नहीं रहे, प्लीज भिखारी को मनाओ और मेरी हेल्प करो प्लीज। लेकिन अब तो फाइट शुरू होने वाली है, अब क्या होगा? कुछ भी करो, कुछ भी, पर प्लीज प्लीज मेरी मदद करो और जल्दी करो प्लीज। ठीक है ठीक है, एक काम करो, तुम फाइट शुरू करो, मैं भिखारी के पास जाके कुछ इंतजाम करती हूँ। क्या मैं फाइट शुरू करूं? थापा बना। रेसलर ना फाइट शुरू होने से पहले ही मुझे फिनिश कर डालेगा। ऐसा कुछ नहीं होगा, फाइट शुरू करो। और याद रखना, ये हमारी इज्जत का सवाल है। वैसे भी मैं जा रही हूँ ना भिखारी के पास। जल्दी जाओ माया, प्लीज जल्दी जाओ। चैंपियन साहब, शुरू करें? नहीं नहीं नहीं, थोड़ी देर बाद। हाँ। क्यों डर गए? डर डर किसको लग रहा है, पर वो क्या है ना, हर फाइट से पहले मैं प्रेयर करता हूँ इसके लिए। उसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि फाइट के बाद में तुम्हारे लिए सारे लोग प्रेयर करेंगे। Thank you.
तुम अभी तक यही हो? भिखारी के पास नहीं गई क्या? अरे वो बिजी है, तो मैंने सोचा कि जब तक वो फ्री नहीं हो जाते क्यों ना मैं ही फ्री स्टाइल कुश्ती देख लूं। माया इस फ्री स्टाइल कुश्ती में ना मैं फ्री में शहीद हो जाऊं। अरे अभय तुम क्यों डर रहे हो? वैसे भी ये मैच 15 राउंड की है, एक राउंड वो रेसलर जीत जाएगा लेकिन बाकी के राउंड तुम ही जीतोगे। जीतूंगा तो तब ना जब ये फाइट 15 राउंड तक चलेगी। प्लीज मैं प्लीज प्लीज भिखारी के पास जाओ, प्लीज मेरी मदद करो प्लीज। ओके बाबा ओके, मैं जा रही हूँ, तुम जाओ अंदर।
अभय, तुम तो कह रहे थे कि तुम्हारी सारी ताकत चली गई है, फिर भी उस चैंपियन को हरा दिया। इसका मतलब तुम अब भी चैंपियन हो। सच बताऊं माया, तो मैंने उसे नहीं हराया, बल्कि वो खुद ब खुद हार गया। मेरा तो हाथ भी उसे टच नहीं हो रहा था। क्या बात कर रहा है? सच में? बिल्कुल सच। मुझ में कोई ताकत नहीं है और मुझे चाहिए भी नहीं। मुझे नहीं बनना चैंपियन वैम्पियन। थैंक गॉड। थैंक गॉड? क्या थैंक गॉड? हाँ, ब्रिथारी ने बताया कि तुम्हारी घमंड की वजह वो ताकत है, उस दवाई का साइड इफेक्ट। पर मुझे डर था कहीं तुम सचमुच तो नहीं बदल गए, पर तुमने सच बोल के ये प्रूफ कर दिया है कि वो सिर्फ टेम्पररी साइड इफेक्ट था। तुम अब भी हमारे पहले वाले अब हो। इसका मतलब? इसका मतलब ये कि वो जो रेसलर है ना, वो हमारा सिकंदर है। या! तो इसने मुझे इतने राउंड में मारा क्यों? हाँ, वो क्या है ना बे, कई दिनों से तुम्हें पिटता हुआ देखने की इच्छा हो रही थी, तो सोचा कि मौका मिला है तो क्यों ना लगे हाथ ये इच्छा भी पूरी कर ले।